हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं लौकी के कोफ्ते। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। आज हम इसे बनाएंगे विदाउट अनियन एंड गार्लिक। इस वीडियो को अंत तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। 100 ग्राम लौकी जिसे हमने ग्रेट कर लिया है और इसके एक्स्ट्रा वाटर को निचोड़ के निकाल लिया है। हमने लिया है 2 टमाटर जिसे हमने बारीक कट कर लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता इसे भी हमने कट कर लिया है और आधी कटोरी बेसन। मसाले में हमें चाहिए 1 चुटकी हींग, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच जीरा धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 तेज पत्ता, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने ग्रेट कर लिया है, 2 हरी मिर्च जिसे हमने बारीक कट कर लिया है और स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें मैं ऐड करूंगी चाट मसाला, हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इस पे मैं ऐड करूंगी कटा हुआ हरा धनिया और बेसन और इसे अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि बेसन कम है तो इसमें आप थोड़ा बेसन और ऐड कर सकते हैं। अब हमारे कोफ्ते का बैटर तैयार है। आप चाहें तो कोफ्ते को डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन आज मैं कोफ्ते को अप्पे पैन में बनाऊंगी। अब हम इसे थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम चम्मच की हेल्प से इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर ऐड करेंगे। इसे हमें लो फ्लेम पे 1-2 मिनट पकाना है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे, ज्यादा नहीं, हमें 1-2 बूंद ही तेल इसमें डालना है। अब इसे हम थोड़ा पलट लेंगे। हमें इसे ढककर लो फ्लेम पे पकाना है। इसे हमने ढक दिया है। इसे हमें चारों साइड से अच्छे से पका लेना है। आप देख सकते हैं कि एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है। मैं ऐड करूंगी 1/2 चम्मच जीरा और हींग, साथ ही हम ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक और तेज पत्ता। सबको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर और इसे भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। हमें फ्लेम को लो ही रखना है। हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक, हल्दी, जीरा धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर भी और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लौकी के बहुत सारे फायदे हैं। ये हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, ये डाइजेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है और साथ ही ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत से लोग हैं जो लौकी के कोफ्ते पसंद करते हैं, बट जस्ट बिकॉज कि डीप फ्राई करना पड़ता है इसके लिए लोग इसे कम खाना पसंद करते हैं। लेकिन जो तरीका आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, इसमें से तेल सेपरेट हो रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। हमने लौकी निचोड़ के जो पानी निकाला था उसे हमने फेंका नहीं था, अब उसे भी हम इसमें डाल देंगे और साथ ही हम थोड़ा सा इसमें
आधा कटोरी फ्रेश वाटर भी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि एक अच्छा सा बॉयल आ रहा है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी गरम मसाला पाउडर और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी को पतला या गाढ़ा आप आपकी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। अब इसमें एक एक करके मैं ऐड करूंगी कोफ्ते। और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। लौकी में वाटर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, साथ ही इसमें विटामिन के, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन की भी मात्रा अधिक है। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। अब इसे ढककर हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। अब हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हैं। इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया और गैस को ऑफ करके सर्व कर लेंगे। हमने लौकी के कोफ्ते को सर्व कर लिया है। हमारे कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बने हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।